हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसको हम शून्य मात्र ही जानते हैं, फिर भी हम इंसान इतना तो मानते ही हैं कि हमारे इस ज्ञात ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं, खरबों तारे और अनंत ग्रह हैं। और इन्हीं में से बहुत से ग्रह ऐसे भी होंगे जिन पर जीवन संभव भी होगा। इन्हीं में से एक ऐसा ग्रह है जिसको हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं, यानी कि हमारा अपना ग्रह है। हमारे अपने ही ग्रह पे अरबों किस्म के जीव से लेकर सूक्ष्म जीव रहते हैं और यह सब ब्रह्मांड के बनाए नियम कायदों से बंधे हैं। अगर कोई नहीं बंधा है तो वो हम इंसान हैं। हम इंसानों ने शुरू से ही ब्रह्मांड को जिज्ञासा की नजर से देखा है और आज हम इंसानों की जिज्ञासा ही हमें ये जानने पर मजबूर कर रही है कि आखिर हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। आज हम जिस नॉन यूनिवर्स को जानते हैं उसकी शुरुआत हमारी अर्थ से होती है, जहां जीवन की हर तरफ भरमार है। लेकिन आज जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं उस पर जीवन अनिश्चित है। ऐसे में बहुत ही जल्द हमें एक ऐसे नए ग्रह की खोज करनी होगी जहां हम इंसान रह सके। लेकिन ऐसा कोई ग्रह हमारे सौर मंडल में तो नहीं है, और अगर ऐसा कोई प्लेनेट हमें ढूंढना है तो हमें ब्रह्मांड की खोज करनी ही होगी। इसलिए फिलहाल हमें अपनी अर्थ को पीछे छोड़ प्रकाश की गति से सफर करते हुए अपने ब्रह्मांड की खोज पर निकलना ही होगा। और करीब एक दिन की यात्रा कर 17 अरब किलोमीटर दूर आने के बाद यह है हमारा अपना सोलर सिस्टम और वो है हमारी अर्थ, जहां हमारी सिर्फ एक दिन की यात्रा से पृथ्वी पर पूरा एक साल गुजर चुका है। और अब हम लगभग 22 अरब किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में है, जहां से अब हमारी धरती को देख पाना संभव नहीं। लेकिन यहाँ धरती की एक ऐसी कीमती चीज मौजूद है जिसको हम देख सकते हैं और वो है हमारा वॉयेजर 1, जो 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने कभी न खत्म होने वाले सफर पर दौड़ा चला जा रहा है। तो चलिए जरा वॉयेजर की नजर से अपनी अर्थ को देखते हैं। अर्थ की ये फोटो वॉयेजर ने आज से 30 साल पहले ली थी, जब ये अर्थ से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर था, और तब यहाँ से हमारी अर्थ केवल एक ब्लू डॉट जैसी नजर आ रही थी। यह वॉयेजर द्वारा ली गई आखिरी इमेज थी, जिसके बाद वॉयेजर के कैमरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसलिए अब हमें भी वॉयेजर को इसके कभी ना खत्म होने वाले सफर पर अकेला छोड़ आगे बढ़ना होगा। और यह है प्रोक्सिमा सेंटुरी, एक रेड डॉट स्टार यानी एक लाल बोना तारा, जो हमारी अर्थ से लगभग 4.5 लाइट ईयर यानी 41 खरब किलोमीटर दूर है। और यह है प्रोक्सिमा सेंटुरी बी, एक एक्सोप्लैनेट जिसकी अर्थ पे यह संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ धरती जैसा वातावरण हो सकता है, लेकिन यह तो एक निर्जन सा ग्रह जान पड़ रहा है। और अगर इसके और अंदर जाया जाए तो यहाँ इंसानों के लायक ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि यहाँ इंसानों को बसाया जा सके। इसलिए अब हमें अपनी धरती पे इस निर्जन ग्रह की जानकारी को भेज आगे निकलना होगा। लेकिन इस बेजान ग्रह तक पहुँचने में हमें 4.5 साल लगे हैं, और तब से अब तक हमारी धरती पे 1600 साल गुजर चुके हैं, और जब तक हमारा ये संदेश धरती तक पहुँचेगा तब तक धरती पे 5000 साल गुजर चुके होंगे। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगर धरती पे तब तक इंसानों का अस्तित्व बचा रह गया होगा तो वो हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल को शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन का संदेश मान लेंगे, जिसको समझ पाना शायद उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए अब हमें सारी संभावनाओं को पीछे छोड़ और आगे निकलना होगा। और अब हम अपने 55 साल के सफर के बाद 55 लाइट ईयर्स दूर यानी लगभग 520 खरब किलोमीटर का सफर तय करके आ पहुंचे हैं अपने सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड में, जहां हम अपने सूरज और उसके पड़ोसी तारों को देख पा रहे हैं। और इसमें दिखाई दे रहे सभी तारों का भी अपना एक सोलर सिस्टम है। लेकिन इस बीच हमारी धरती का क्या हुआ? तो हमारे इस 55 साल के सफर में धरती पर 20,000 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, और इन 20,000 सालों में धरती से पूरी मानव जाति का अंत हो चुका है। लेकिन अब हमें अपने इंटरस्टेलर नेबरहुड को भी पीछे छोड़ आगे के सफर पर चलना होगा। और अब हम अपनी धरती से लगभग 600 लाइट ईयर्स यानी 5600 खरब किलोमीटर दूर एक खास प्लेनेट केपलर 22b पर हैं। लेकिन ये प्लेनेट हमारे लिए इतना खास क्यों है? तो इसकी वजह इसका वातावरण है, जो हमारी धरती से लगभग मिलता जुलता है। लेकिन शायद यहाँ वातावरण ही नहीं बल्कि जीवन भी मिलता जुलता सा लग रहा है, यानी इस ग्रह पे कोई एडवांस सिविलाइजेशन पहले से ही मौजूद है और शायद यहाँ इंसानों जैसे या उससे भी ज्यादा विकसित जीव रहते हैं। धरती पे अभी तक खोजे गए सभी एक्सोप्लैनेट में से केपलर 22b ही एक ऐसा ग्रह है जिसको अर्थ 2.0 का नाम मिला था। और इस अर्थ 2 से इंसानों को बहुत उम्मीदें भी थी कि यहाँ कभी इंसानों को बसाया जा सकेगा, लेकिन यहाँ तो पहले से ही जीवन फल फूल रहा है।
इसलिए अब हमें इस ग्रह को पीछे छोड़ अपने ब्रह्मांड के सफर को जारी रखना होगा। और लगभग 2.5 लाख साल चलने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं अपने मिल्की वे गैलेक्सी में, जो हमारी अर्थ से 25,000 लाइट ईयर यानी 236,000 खरब किलोमीटर दूर है। और ये रेत के कण से भी छोटा दिख रहा हमारा इंटरस्टेलर नेबरहुड है। लेकिन इन 2.5 लाख सालों में धरती का क्या हाल है? तो इन 2.5 लाख सालों में धरती पे लगभग 9 करोड़ साल बीत चुके हैं और धरती पे जीवन विशाल नहीं बल्कि बेहद विशाल हो चुका है। और लगभग 15 मिलियन लाइट ईयर यानी 141,607,680 अरब किलोमीटर के लंबे सफर के बाद अब हम आ पहुंचे हैं अपने लोकल गैलेक्टिक रूप में। लेकिन यहां से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का रूप कुछ और ही नजर आ रहा है। लेकिन क्यों? तो इसके लिए हमें 1 अरब साल पीछे जाना होगा। और यहाँ ब्रह्मांड की वो घटना घटित हो रही है जिसकी इंसान ने 21वीं सदी में भविष्यवाणी की थी। यानी यहाँ हम मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की प्रचंड टक्कर को देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो गैलेक्सी बनी है उसका नाम मिल्कोमेडा है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का क्या हुआ? क्या इस टक्कर से हमारा सूरज और अर्थ बच पाए? यकीनन बच पाए, लेकिन साथ ही साथ हमारे सूरज ने अपने जीवन के आखिरी 5.5 अरब साल पूरे कर लिए हैं और अब हमारा सूरज मर रहा है। ये एक रेड जायंट यानी एक लाल दानव तारा बन चुका है और हमारी अर्थ इसमें समाकर भाप बन चुकी है। अब हमारे सौर मंडल में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसको हम अपना कह सकें, इसलिए अब हमें बिना किसी आस के अपने आगे के सफर को जारी रखना होगा। और अब हम अपनी धरती से करीब 65 मिलियन लाइट ईयर यानी 62 करोड़ खरब किलोमीटर दूर आ चुके हैं। हमें इस सफर को प्रकाश की गति से तय करने पर भी 6 करोड़ 20 लाख साल का समय लग गया और इस बीच हमारी पृथ्वी को मरे हुए लगभग 23 अरब साल बीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर मिसिंग है। और यही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सभी तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं सभी गायब हैं। लेकिन क्यों? तो यह जानने के लिए हमें 1 अरब साल पीछे आना होगा। अभी तक तो यहाँ सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसका अनुमान 21वीं सदी में लगा लिया गया था। और यही है वो घटना जिसकी वजह से ब्रह्मांड की सभी चीजें गायब हो गई हैं। और इस घटना का नाम है बिग रिप, यानी अब आप ब्रह्मांड का अंत होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आखिर हमारा पूरा ब्रह्मांड एकदम से कहां गायब हो गया? तो इसकी वजह हमारे ब्रह्मांड का अनियंत्रित गति से विस्तार था। ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती गई और इस वजह से ब्रह्मांड के सभी तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं टूट कर उस अंत तक अलग होते गए जब तक कि वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही बाकी रह गए। और अंत में ये मूल कण भी एक दूसरे को खत्म करने लगे और नतीजे में रह गया एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें अब कुछ भी नहीं है। अब ना ही यूनिवर्स है, ना ही समय और ना ही कुछ और। ऐसे में अब चाहे आप खरबों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही यात्रा क्यों ना करें, फिर भी आप खुद को उसी जगह पे पाओगे जहाँ से आप शुरू हुए थे। यानी अब आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन अभी हमें बिग रिप की घटना को भूलना होगा और ये मानना होगा कि हमारे यूनिवर्स का अंत अभी हुआ ही नहीं। इसलिए करीब 65 मिलियन लाइट ईयर पे ये है हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर और इसमें दिखाई दे रहा ये डॉट हमारा लोकल गैलेक्टिक ग्रुप है। और अब करीब 150 मिलियन लाइट ईयर चलने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं अपने लोकल सुपर क्लस्टर में, जहां पर हम अपने वर्गो सुपर क्लस्टर को देख पा रहे हैं। क्या कोई देखकर बता सकता है कि इस क्लस्टर में कभी एक ऐसा प्लेनेट भी हुआ करता था जिसको हम अपना घर यानी अर्थ कहा करते थे? लेकिन इतने सालों के लंबे सफर में अब हमारा सोलर सिस्टम कैसा दिखता होगा? तो जवाब है अब वहां कुछ नहीं बचा। और अगर कोई प्लेनेट बच भी गया होगा तो अब वो इस अनंत ब्रह्मांड में अकेला भटक रहा होगा। और अब हम अपने सौर मंडल से लगभग 46.5 बिलियन लाइट ईयर दूर आने के बाद अब जो हमारा लोकल सुपर क्लस्टर हमें बहुत विशाल लग रहा था, अब वो मात्र एक रेत के कण के समान रह गया है। और यही है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ज्ञात ब्रह्मांड की आखिरी सीमा। इससे आगे अभी हम इंसान देख पाने में असमर्थ हैं। आज तक हम जितना भी ब्रह्मांड अभी तक खोज पाए हैं वो हमारे उंगली के टिप के बराबर भी नहीं। लेकिन हमारा ब्रह्मांड यही खत्म नहीं होता, बल्कि यह तो हमारे अनंत ब्रह्मांड की सिर्फ एक शुरुआत भर है। और जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांड से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बुलबुले में बदलता जा रहा है।
और अरबों लाइट ईयर दूर आने के बाद ये है हमारा मल्टीवर्स, जहाँ पर हर एक बुलबुला एक विशाल ब्रह्मांड को समाये हुए है। और इन हर एक ब्रह्मांड में हमारी धरती जैसे न जाने कितने ग्रह होंगे जिन पर जीवन की भरमार होगी, जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन हम चाहकर भी ब्रह्मांड के छोर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे।